छत्तीसगढ़ के कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जिले के बड़े वन क्षेत्र में नेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाने का ऐलान के बाद सरगुजा इलाके के लोगों को बेघर होने का खतरा सताने लगा है, जिनका इस बड़े वन क्षेत्र में गांव आता है। इधर इस मसले को लेकर विपक्षी दल प्रभावित ग्रामीणों के साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव इसके बनने से इंसान और हाथी दोनों के अस्तित्व को बचाने की बात की है। इस समस्या को लेकर प्रभावित लोगों अंबिकापुर कलेक्टर के सामने को लेकर अपनी पीड़ा रखी है। पत्र में हम लोगों ने लिमरू अभ्यारण्य को स्थापित करने का रखा था और आज वो स्थापित हुआ है। कुछ लोग जाके ये अफवाह जरूर उड़ा रहे हैं कि ये सारा क्षेत्र आ गया है तो गांव भी आ गया और हटाया जाएगा। एक गांव नहीं हटना है, इतने सारे सेंचुरी हैं। देखिए, ये मैंने बताया कि जशपुर में सेंचुरी है हाथियों की, किसको हटाया? सिमरसोत में हाथियों का अभयारण्य बना है, किसको हटाया? पूरे गांव वालों का विरोध है और ये राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है और वो प्रयास करेंगे कि इसको प्रोजेक्ट को खत्म करें और प्रोजेक्ट या तो अन्यत्र ले जाएं या उसकी आवश्यकता नहीं है। और यदि आंदोलन का शुरुआत है और ये आंदोलन करना पड़ेगा आगे ग्रामवासी लोगों के साथ, तो हम सब लोग गांव वालों के साथ हैं, उनके लिए संघर्ष करेंगे और इस प्रोजेक्ट को निश्चित रूप से समाप्त करवाएं। ज्ञापन सौंपने आए हैं राज्यपाल महोदय जी के नाम पे कि हमारे आदिवासी अंचल में, आदिवासी बाहुल्य एरिया में ग्रामीण निवासरत हैं और उनको अगर बेदखल करेंगे तो यहाँ के सारी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा से हम